अब इंद्रियों के दमन की अगर बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्राणी है, पतंग मतंग कुरंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्येत य सेवते पंच भिरेव पंच। पांच प्राणी है, मैं एक एक प्राणी का उदाहरण देता हूँ। पांच ज्ञानेन्द्रिय है मनुष्य के, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा। मनुष्य पांचों इंद्रियों के विषयों का भोग करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मनुष्य अच्छे अच्छे स्थानों को अथवा अच्छे रूप को देखना चाहता है आँखों से, कान से मधुर ध्वनि मधुर संगीत सुनना चाहता है, नासिका से उसको अच्छी खुशबू चाहिए, जिह्वा का स्वाद चाहिए, त्वचा का कोमल स्पर्श चाहिए। तो मनुष्य पांचों इंद्रियों का भोग कर रहा है। दूसरे जो प्राणी है, मैंने जो श्लोक कहा उसमें पांच उदाहरण दिए, एक है पतंग, उसके उसका विषय है आँख का, कि उसकी आँखों को अंधेरा प्रिय होता है। जहाँ कहीं भी प्रकाश दिखता है वो प्रकाश के स्रोत को समाप्त करने के लिए अथवा आग बुझाने के लिए अपने आप को उसमें झोंक देता है, इसलिए जल करके मर जाता है। हाथी को स्पर्श चाहिए, तो स्पर्श के सुख के चक्कर में हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि उसके जो शिकारी हैं या तो पालतू हथिनी को लेकर के जंगल जाते हैं या फिर नकली हथिनी बना देते हैं, पुतला बनाते हैं और उसके सामने एक गड्ढा खोद देते हैं। हाथी उसमें जाता है और गड्ढे में फंस जाता है। फिर जिस हाथी को बाहर रहने पर 100 लोग भी पकड़ नहीं पाते, 100 लोगों से भी उसको डर नहीं है, अब गड्ढे में गिर जाने के बाद 2-4 दिन भूखा रखते हैं, जब वो कमज़ोर पड़ जाता है उसको बांध करके 2-3 व्यक्ति भी लेकर के जा सकते हैं। एक इंद्रिय के वश में होकर हाथी सर्कस में नाच रहा है। इसी तरह से हिरण है, हिरण को संगीत प्रिय होता है, मधुर ध्वनि। उसको पकड़ने के लिए पहले शिकारी क्या करते थे, जंगल में जाकर के वीणा की ध्वनि सुनाते थे। वीणा की आवाज जैसे ही आई, अब हिरण एक जगह पे खड़ा रह जाता था उसको सुनने के लिए, और शिकारी धीरे से चुपके से उसकी घात में बैठा रहता था। जैसे ही वो स्थिर हो गया, आंख बंद करके संगीत सुनने लग गया, अब धनुष से बाण मार करके उसकी हत्या की जाती थी। इसी तरह से मछली को स्वाद चाहिए, उसका विषय है जिह्वा का। उसको पकड़ने के लिए पहले चारा डाला जाता है और जैसे उसको खाने के लिए इकट्ठी होती है, जाल फेंक करके उसको फंसाया जाता है, या फिर कांटे में आटा वगैरह डालते हैं उसको खाने के लिए, जैसे ही मछली आती है वो उसमें फंस जाती है। और पांचवा उदाहरण दिया भंवरे का, भंवरे को पराग चाहिए, सुगंध चाहिए, तो वो अलग अलग फूलों में जाकर के बैठता है। शाम के समय में सूर्यास्त के साथ ही जैसे ही फूल मुरझा रहे होते हैं तो पराग के लालच के कारण वो उस फूल से उठ नहीं पाता है, उठता ही नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे फूल बंद हो रहा होता है, भंवरा भी उसमें बंद हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अच्छा कोई बात नहीं, सुबह तो फूल खिलेगा, सूर्योदय के साथ में ही मैं बाहर निकल जाऊंगा। और अनेकों बार ऐसा होता है कि सूर्योदय से पहले ही कई बार पालतू जानवर या फिर जंगली जानवर जो घास खाने वाले हैं वो फूल को खा जाते हैं, भंवरा भी उसके साथ ही पेट में चला जाता है। ये पांचों प्राणी एक एक इंद्रियों के वश में होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। अब इसी श्लोक में कहा कि एक प्रमादी स कथम न हनियत य सेवते पंच भिरेव पंच। मनुष्य तो पांचों इंद्रियों का भोग करता है।